मैं फ्यूचर गुरुनैन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं हमारे बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने आया था। मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको भी दे दें कि रक्षाबंधन के दिन को आप अपने भाइयों के ऊपर, खास करके बहनें सुने कि आप अपने भाइयों को आशीर्वाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद कैसे दिला सकते हैं। विशेष रूप से भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए जो आपके भाई की राशि होती है ना, उस राशि से संबंध यदि कोई रत्न या किसी प्रकार के रंग वो आपके भाई धारण करते हैं तो उनको फायदा जरूर होगा। यदि आपके भाई की राशि मेष राशि है तो आपको अपने भाई को लाल रंग की और ऑरेंज कलर की जरूर राखी बांधनी चाहिए। उस राखी से निश्चिंत रूप से उनके कार्य में जो गति मिलेगी, उनको निश्चिंत प्रगति पथ पे ये लाभदायक हो सकता है। आपके भाई की यदि वृषभ राशि है तो आपके भाई के राशि स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र उनके जीवन में जो ऐश्वर्य प्रदान करने का कारक करते हैं, उसीलिए उनको आप सफ़ेद रंग की या आप सिल्वर कलर की राखी बांध सकते हो जो उनको विशेष शुभता प्रदान करेगी। यदि आपके भाई की मिथुन राशि है तो आपके भाई के कार्य सिद्धि हेतु, उनके ज्ञान के वृद्धि हेतु उनको हरे रंग की राखी जरूर बांधे। हरे रंग का धागा यदि राखी के अंदर होगा तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, कार्य में सिद्धि हो। यदि आपके भाई की कर्क राशि है तो कर्क राशि में उनको लाभ हेतु साक्षात चंद्रमा बैठे हुए हैं। यदि आप उनको हस्त में सफ़ेद रंग की राखी बांधते हो तो निश्चिंत ही सफ़ेद रंग की राखी पहनने के पश्चात उनको मन की शांति मिलेगी और आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। यदि आपके भाई की सिंह राशि है, जिसके साक्षात स्वामी सूर्य देवता हैं जो सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं, यदि आपके भाई को आप ऑरेंज कलर की राखी बांधते हो तो सूर्य की प्रसन्नता के अनुसार निश्चिंत आपके भाई के कार्य में सिद्धि होगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। यदि आपके भाई की कन्या राशि है तो कन्या राशि के साक्षात स्वामी बुध माने जाते हैं। ये बुध जो ज्ञान के कारक है, मैंने मिथुन राशि के लिए भी कहा था, तो निश्चिंत आप हरे रंग की राखी उनको बांधे, उनके जो व्यापार में रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होंगी और धन की वृद्धि जरूर होगी। यदि आपके भाई की तुला राशि है तो तुला राशि के स्वामी साक्षात शुक्र देवता माने जाते हैं, तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आप सिल्वर रंग की राखी या सफ़ेद रंग की राखी अपने भाई को बांध सकते हैं। निश्चिंत शुक्र की कृपा से उनके धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्ति में हेतु जो भी अड़चने आ रही हैं वो सब अड़चने दूर हो जाएंगी। यदि आपके भाई की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना जाता है, जो हर कार्य को अपने मेहनत से करवाता है। यदि उनके कार्य में कुछ असफलताएँ आ रही होंगी तो उनको लाल रंग का धागा जरूर बांध दीजिएगा या लाल रंग की राखी आप उनको बांध देते हो तो विशेष रूप से मंगल देवता उनके कार्य में उनको सिद्धि प्रदान जरूर करेंगे। यदि आपके भाई की धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी साक्षात गुरु देवता माने जाते हैं, कुछ कठिनाइयां उनके जीवन में यदि आ रही होंगी तो पीले रंग की राखी उनको बांधना बहुत ही लाभदायी रहेगा, गुरु उनके कार्य में सिद्धि जरूर प्रदान करेंगे। यदि आपके भाई की मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी साक्षात शनि माने जाते हैं, शनि की साढ़े साथी मकर राशि के ऊपर होने की वजह से आप यदि अपने भाई को नीले रंग की राखी बांधते हो तो उसमें निश्चिंत ही उनके कार्य में जो अड़चने आ रही है वो दूर होंगी और साढ़े साथी में भी उनको रक्षण प्रदान होगा। यदि आपके भाई की कुंभ राशि है, यह भी शनि की राशि मानी जाती है, इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने भाई को आप नीले रंग की राखी जरूर बांधे, साथ में यदि आप चाहो तो थोड़ी सी स्काई ब्लू कलर की भी राखी बांध सकते हो जो निश्चिंत उनके साढ़े साथी से उन्हें भी कहीं ना कहीं परिणाम से बचा सकती है। यदि आपके भाई की मीन राशि है तो यहाँ पे आपके भाई का गुरु स्वामी आते हैं, तो गुरु जो पीले रंग का कारक माने जाते हैं तो पीले रंग की राखी बांधना उनके कार्य में, धन धान्य में और उनके विशेष रूप से सेहत में आने वाली पीड़ाओं से उनको मुक्त जरूर करेंगे। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब बहनें अपने भाई का कल्याण चाहते हैं तो मन में अच्छी श्रद्धा रखकर जो मैंने आपके भाई के लिए राखी का रंग कहा है वो रंग की राखी उनको जरूर पहनाएं और इस रक्षाबंधन के पावन पर्व का आनंद लें। नमस्कार।